कौन सी लाद, किस टाइप की लाद है जिसके सबब से वो निजात पाए। देखें कोई इस सवाल का जवाब आपके पास है? मदर। बोले बोले कोई बात कुछ नहीं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, अपना अपना ख्याल जाहिर करें जी। कैसे निजात पाएगी? उलाद होने से निजात पाएगी औरत ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी क्या बन गई हमारे लिए मौत। अब यूं मौत सब आदमी में फैल गई है, कोई भी कितने दिन पैदा होने के बाद जिंदा रहता है ये गुनाह ने मुकर्रर कर दिया। 20 साल 100 साल 80 साल या पैदा होते ही बाद लोग मर जाते हैं, बाद लोग मौत मुकर्रर है। चाहे वो गुनाह के अंदर हो तो चाहे तौबा करके पैदा हो गए तो फिर मौत में से निकलकर जिंदगी में, इसलिए कलाम बयान करता है लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी। शर्त भी ऐसा रखी गई, वो शर्त है कि वो ईमान मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम भी रहे। निजात भी पानी है, फिर इसके साथ ईमान के साथ और खुदा की मोहब्बत में, और फिर पाक साफ भी रहना है, परहेज़गार भी रहना है, फिर हमें कायम भी रहना, तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये तीन चार शर्तें हैं, ये तीन चार ऐसे वादे हैं जिन पर हमें अमल करना है। खाली ये नहीं कि औलाद है लेकिन ये औलाद ये वाली नहीं है, ये हमारे बच्चे ना ईमानदारों की बात होगी, ना ईमानदार औलाद की बात होगी। यहाँ औलाद का जिक्र किया गया लेकिन आज भी मैं हवाला आपको दूंगी, आए मेरे साथ देखे जरा कौन सी औलाद है जिसके सबब से वो निजात पाएगी। आए मेरे साथ देखे पैदाइश की किताब, क्योंकि सब बातें जिस्मानी नहीं है, बहुत सारी बातें रूहानी होती हैं, जिनको समझने के लिए मैं खुदा के कलाम को रूह जिस गाड़ी से चल रहा है। पैदाइश दो बाब की कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, दो बाब की 15 ये पहले सजाएं हैं, ये 14 से लेकर सारी सजाएं हैं। पहले तो सांप को सजा दी गई, खुदा को खुदा ने जब 14 से पढ़ी जी बड़े इख्तियार कर पढ़ो, और खुदा को खुदा ने आदम सांप 15 से 14 से पढ़ो, मैंने बोला 14 से। और तीसरी कदी का नाम जलिला है जी, खुदा इसको 3:14 है, 3:14 है, 3:14 पढ़ते हैं। 3:14 और खुदा खुदा ने सांप से कहा, निकलता जरूर है, उबल देता है, खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसको उसने मट्टी
सारी कारस्तानी जो होती है लूसीफर की, उसने भी उसके जहन के बता, लेकिन अब इसको यहाँ से कहा है फिर कलाम में लिखा है अब दूसरी 15 और मैं के साथ वफादारी के साथ के साथ शर्तें, तो फिर वो कायम है। परहेजगार भी
हर तरह की बदी से, हर तरह की बुरी बातों से किनारा कशी है, वो है ईमानदार औरत। तो आए देखो कि कलाम में एक औरत के बारे में देखते हैं कि तजाद की किताब में से ये औरत आम कहते हैं, हाय मेरे बच्चे हैं, हाय मैं की करूँ, मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं ये नहीं पूछ सकती, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घराना, मेरा खानदान, मैं रोटियाँ पकाती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, मेरे रिश्तेदार, मैंने उनसे मिलना है। लेकिन ये देखिए एक औरत है, एक वक्त में उसने गाँव में की है, उसको तारे कितनी इज्जत बची है। तजाद की किताब में से उसका चार बाप और उसकी चार आयत में से देखने के लिए औरत की क्या रोल है जी, तजाद चार की चार। उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगी, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुम्हें कुछ भी दरखास्त ना होगी, क्योंकि खुदा सिसरा को एक औरत के हाथ पेट डालेगा और दबुला पत्थर बर्फ के साथ कासिद हो गई, और बर्फ ने जबलून और नफ्ताली को कासिद में बुलाया, और 10,000 मर्द अपने हमला लेकर चढ़ा और दबुला भी उसके साथ चढ़ा। आमीन। कलाम लिखा है चार आयत उस वक्त कर सकती है जब
और सबक कदनी शहर के दरवाज़ा के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठ कर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और थवाथीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमस बेचने वाली थी, सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पालूस की बातों पर तवज्जा करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। बशर्ते के ईमान और परहेज़गारी के साथ खुदा के साथ क्या करें, हम वफादार रहें।
सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। एक और हवाला देखते हैं, अब मुझे नजर भी नहीं आ रहा छोटे टाइम टाइम्स मोबाइल में क्या। ईमान उसका 17 बाप इसके साथ ही मैं हवाला कोट कर रही हूँ। यहाँ भी औरतों का जिक्र है। ईमान 17 बाप जी, हाँ जी 17 बाप। और खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है 17 बाप की लिखा है जी, और उनमें से बाज ने 4 आयत, और उनमें से बाज ने मान लिया और पलूस और सहलास के शरीक हुए, और खुदा प्रस्त यूनानियों के एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुई, और मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भेड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। आमीन। खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि जब रसूल कलाम बयान कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे पलूस और सहलास थे और वो खुदा के रसूल थे और वो बयान कर रहे थे, तो वहाँ खुदा प्रस्त यूनानियों की एक जमात भी थी और बथेरी शरीफ औरतें उनके अंदर शामिल थी। लेकिन जब लोगों ने बर्दाश्त ना किया कि ये लोग कलाम सुन रहे, तो उन्होंने बदमाश लोगों को बुला लिया, बदकारों को, उन्होंने आकर उनको कूड़े मारे, उनके बाल नोचे, उनके साथ बुरा रवैया किया और उनको कहा कि यहाँ से भागो ताकि वो डर जाए, और उनको उनके जिस घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था मुकसमा उस यासून के घर को उन्होंने क्या कर लिया, घेर लिया। लेकिन क्या खुदा के लोग फिर भी इबादत करने से बाज आते थे? जब भी कभी उनको मौका मिलता था वो इबादत करते थे, वो खुदा की परस्तिश करते थे, वो खुदा के साथ वफादार चलते थे। बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारी बेटियों ने, बहुत सारी माओं ने खुदा के कलाम में बयान किया है, दुख उठाया है, लेकिन कलाम में बयान किया गया, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारी। आज मैं कहती हूँ, अगर कोई पास्टर बहुत बड़े बने हैं, अगर कोई बहुत बड़े आलम फाजल बने, तो किस में से पैदा हुए थे? वो औरत में से हुए थे। अगर ये सैमुअल खुदा का बंदा नबी बनाया, तो वो हन्ना में से पैदा हुआ था, जो कि दिन रात खुदा के जोर में हर साल जाती और दुआ करती थी, और खुदा का कलाम बयान करता है कि हन्ना कहती थी खुदा उनका, खुदा मेरा दिल तुझ में मगन है, मैं खुदा की बंदी हूँ। मकसा मरियम को जब फरिश्ता ने आकर सलाम दिया तो उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, जिस तरह खुदा उनके बंदी के लिए खुदा के कौल के मुताबिक। हालांकि वो कुमारी थी, डरने की बड़ी बड़ी खौफनाक बात थी, वो बच्ची 14-15 साल की हो और उसको कहे कि तू हमल से है, तो लोग ताने मारेंगे लोग। लेकिन उस वक्त वो खुदा की बंदी थी, वो हैकल के अंदर दुआ में थी, रोजे में थी, जब से वो पैदा हुई थी उसके माँ बाप ने उसे हैकल में छोड़ा हुआ था, और वहाँ खुदा का फरिश्ता एकदम जब पहले आया है तो वो डर गई है। उसने कहा ये सलाम कैसा है? फिर उसने कहा सलाम तुझ पर, पुर फजल, खुदा ने तुझे फजल से अपनी बरकत से भर दिया है, इसलिए कि वो कौल पूरा होना तुझे पैदाइश की किताब में कि औरत के सबब से निजात है, औरत और तेरी नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा, अदावत। तो वो नस्ल पैदा हुई यीशु मसीह खुदा का बेटा, जो औरत से पैदा हुआ, औरत के सबब से ही गुनाह भी आया, लेकिन औरत के सबब से क्या आया, निजात आई। औरत का दर्जा कम नहीं है, औरत को खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। शर्त यह है कि औरत जो है खुदा के कलाम पर कायम रहे वफादारी के साथ और बरकत के साथ। लेकिन हम में से बहुत सारी बहनें तो आज ऐसे हैं, खुदा माफ़ करे, मैं कहती हूँ बड़ी माजरत के साथ, के बेटे मांगती हैं, बेटियाँ मांगती हैं, पैदाइश हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी परवरिश का कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मालूम नहीं कि मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां जो हैं वो किस तरह से हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं छोड़ दो नहीं, नहीं, तो इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि क्या हमें अपने बच्चों की माँ होने के नाते किस तरह से परवरिश की है औरत के तौर पर, क्या हमने कभी ये बोझ लिया? मेरी बहनें जब से बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या उनको दे देती है, इंडिया का नाम देती है, मेरे मुंडे का नाम है, मेरी कुड़ी का नाम है, पैसे फलाने ड्रामे चे, क्या है आपकी तरबियत, कैसी हैं ये औरतें, ये औरत कैसी निजात दे रही है अपने बच्चों को, किस तरह से हम अपने बच्चों को गैर कौमों के कल्चर में लेकर जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे सुधरते नहीं हैं, हमारे बच्चे खुदा परस्त नहीं हैं, खुदा के साथ नहीं चलते। क्या आपने बनी इसराइल की कौम की माँ की तरफ उसके कान में कहा, पैदा होते दूध पिलाने से पहले उसकी उंगली पकड़ी अपने नाजुक से हाथों में लेकर उसके नाजुक से हाथ को कहा, सुना इसराइल खुदा उन तेरा एक ही खुदा, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी खुदा उन अपने खुदा से मोहब्बत, खुदा का नाम दसे ही नहीं, नहीं बताना खुदा का नाम। हमने उनको इंडियन फिल्म या ड्रामे, उनको नाम पहले बताने और फिर साथ उसके सराहने पर मोबाइल भी रखना, ये आज का फैशन है। फिर हम किस तरह तवक्को करेंगे कि कलाम बयान करता बथेरी शरीफ औरतें, क्या शरीफ औरतों की ये निशानियाँ बताएं, औरत के सबब से क्या है निजात और बरकत। अगर आप चर्च में जमा होते हैं, खुदा का शुक्र मैं अदा करती हूँ, तो आप बहुत सारी बातें सीखते हैं, बरकत पाते हैं, और ये बातें आप मैसेज लेकर दूसरों पर तक जाए। अगर आपको माँ का दर्जा खुदा ने दिया, बड़ी बरकत की बात है, इस माँ के दर्जे की आपने कदर करनी है। माँ बन गए हो तो फिर अपने अंदर में से सैमुअल जैसे नबी को पैदा करो,
अपने अंदर में से, जिस तरह मतलब सा मरियम ने खुदा के बेटे को जन्म दिया, हम ऐसे बेटे बेटियों को तो जन्म दे सकते हैं जो खुदा प्रस्त हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की औरत, मेरी बहन, मेरी अजीज, मेरी बुजुर्गा इस बात पर नहीं है फिक्रमंद। हम कहते हैं बस मेरे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये नहीं कहते खुदा के बंदे और खुदा की बंदियां बनेंगी। इस बात का फिक्र करें। कलाम मुकदस में जबूर 55 में खुदा का नबी रसूल कहता है, नबी कहता है अपना पार यो हवा ते सुट आप ही हो संभाले। तो हम अपना बार अपना बोझ खुदा को नहीं देते, अपने सारे बोझ आप ही लैन की कोशिश करने हैं। जो बिल्कुल बोझा के थले दब दब के सारी जिंदगी मेहनत कर करके काम कर करके मर जाने बीमारियों से, शुगर, ब्लड प्रेशर, मुसीबत, हाय होए साढ़े, फिर निकलती सारा जो जमा पूंजी परेशान से खत्म, सारिया चीज़ों से जमा हो जाता, कर्ज के नीचे भी आ जाते। लेकिन अपना बोझ अपने खुदा को और अपनी फिक्र खुदा को नहीं देते, अपने बच्चे की तरबियत इन शरीफ औरतों की तरह नहीं करते, फलदी इस दबूरा की तरह नहीं बनते, हम लुधिया की तरह नहीं है, हम ऐसे हैं। अगर नहीं है तो आज फिक्र करने की ज़रूरत है आपको, मुझे भी, मैं करती हूँ फिक्र, आप भी करें, आप सब मिलकर खुदा से यही बरकत पाएं। क्योंकि औरत के सबब से क्या है, निजात है, और निजात मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिली है। आज मैं ये यकीन करती हूँ जितनी बहनों ने खुदा को कबूल कर लिया है, आज हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ इतना क्यों है, क्यों है इतना बिगाड़, इतने बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं, इतने बच्चे क्यों ख़राब और करप्ट है, इसलिए कि हमारे अंदर ना तो खुद खुदा का खौफ है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, खरूज की किताब में एक हवाला लिखा है, गर्मी बड़ी लग रही है लेकिन मैं आपको कोट करूँगी, मेरे हाथ पूरे भिगे हुए हैं, मेरी बाइबल भी ख़राब होगी। तो लिखा है उसके अंदर हवाले के जो खुदा के लोग थे वो हमेशा अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के अंदर करते थे, और उनको ये तलीम दी जाती थी कि अगर तुमने ये तरबियत ना की तो तुम्हारे बाप दादा की बदकारी की नस्ल कहाँ तक मिलेगी जी, तीसरी चौथी और हद सातवीं पुश्त तक। अच्छा, हम अब ये क्या करते हैं कि मैंने दुआ करनी शुरू की, आपने दुआ करनी शुरू की, आपने, तो हम ये जोर लगाते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल नेक पाक बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं कभी भी होगा। तब होगा जब आपने उसकी तरबियत जो है बचपन से उसके कान के अंदर की होगी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। हम फिर कहते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा बच्चा कैसा हो गया, ये हमारा अजीज कैसा हो गया, तो ये चौथी पुश्त की सजा आ रही है, ये सातवीं नस्ल की सजा आपके ऊपर आ रही है, ये गौर कर ले। इसीलिए क्योंकि खुदा का कलाम पूरा होना बाकी है, वो खून के स्टेप दर स्टेप वो नस्ल के अंदर डेवलप होती है, और नस्लों से खून के अंदर सृष्टि करके फिर कैसे बदल सकते हैं, क्या किसी शख्स का खून बदला जा सकता है, बताएं मुझे, उसका सारा खून निकाल देंगे तो वो तो मर जाएगा, बदला जा सकता है। इसी तरह उसकी खून के अंदर गुनाह शामिल हो चुका है, उस गुनाह की आप जब तक उसकी तरबियत नहीं कर सकते वो गुनाह की सजा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए भैणा पावे दुआवा कर पावे जी मर्जी मीटिंग तक टुर जाए, मैं तुम्हें शर्त ना कहवागी तई बच्चे थोड़े तब्दील होंगे, क्योंकि आपने वो तरबियत की नहीं। हाँ, इसका एक हल है, अपने पूरे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर फिर दोबारा अपनी नई जिंदगी बहाल करें, बाप दादा की बदकारी की लानतों को तोड़ें, उनके बंदरों और जुमों को कहें और खुदा के हुजूर हर रोज सजदे में जाएं और दुआ करें, इतना सरगर्म हो जाएं, फिर खुदा पर कलाम में लिखा रहम करेगा और आपको हजारों पर वादा साथ, जो उससे डरते हैं उन पर क्या करता है, रहम करता है। ते नहीं खाली पाजी साहब दुआ के, पाजी साहब तू ही मेरे मुंडे वास्ते दुआ की थी, कुड़ी वास्ते की थी, वो तो बदले ही नहीं, वो तो अगे ना भी ज़्यादा गालां कर देने बिगड़ गए, वो तो अगे ना भी ज़्यादा झगड़ा करते घर छड़ के भज जाते। ये चीज़ें रूहानी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ें हैं जो हमने बचपन है सी नहीं। हम क्या दे रहे थे उनको, क्या दे रहे थे पहले, ज़रा बताएं अपने मुँह से बताएं, क्या दिया था उनको, जब पदेशी तौर पर उनको क्या दिया था, गुड़ती देती थी और नाम दे दिया था, तू फलाने अदाकार जैसा, ये जैसा लग रहा है ये है हीरो है ये, ठीक है जी हीरो ही बनेगा, तो हीरो फिर हीरो ही बनेगा, दुनिया का हीरो वो ज़रूर नंबर वन बनेगा, लेकिन खुदावंद यीशु में हीरो नहीं बनेगा। अगर वो हीरो बना रहा है हन्ना जैसा, हन्ना का बेटे सैमल जैसा, तो हन्ना फिर दुआ करती, कहती मेरा दिल खुदावंद में मगन, मेरा सींग खुदावंद के तफैल बुलंद हुआ, मेरा मुँह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, उसने मेरी सुन ली है। हम ऐसी माएँ बने, ऐसा किरदार अदा करें, ऐसा करें तो फिर शायद खुदा हम पर रहम करें। लेकिन अगर तुम ये आस लाई ना कि पादरी दुआ करके 500 हदिया देंगे, 1000 रुपया देंगे, तो बाद साढ़े बच्चे तो कोई नहीं जो तब्दील होने, ये झूठ है सरासर, ये गलत है। मैं खुदा की खादमा इस मेंबर पे खड़ी होकर आप खुदा के साथ कहती हूँ, ये हमारा तजर्बा है, क्योंकि खुदा का कलाम प्यार खुदा किसी का तरफदार नहीं है।
खुदा सिर्फ आपकी माँ की दुआ और आपकी माँ के किरदार और आपके बाप के किरदार को जब आपके खून के अंदर उसकी सृष्टि शामिल होगी तो फिर आपकी ज़िंदगी और आपकी सब कुछ तब्दील हो जाएगा। मत ब्लेम दें अब दूसरों को कि ये बच्चा मेरे ये बिगड़ा है इस तरह से नहीं, हमने तरबियत नहीं सही की। अगर आपने तरबियत नहीं की तो फिर खुदा का कलाम फरूज की किताब में लिखा है, मैं खुदा फरमाता मैं कहता हूँ ये बातें तुम किन को सिखाना, अपने बेटों को अपने पोतों को। अगर बच्चों में परवरिश करने में रह गई है तो पोते पोतियां भी होने हैं, याद रखें उनको ही सिखा लें प्लीज, उनकी नस्ल बदल जाए आपकी तीसरी चौथी पुश्त, ताकि आपको बरकत मिले, ऐसी औरतें बनने ताकि निजात पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। पुरानी नानियों अम्मियों वाली बातें छोड़ दो, ये कि बच्चे को काला टिक्का लगा दो तो बच्चे को नजर नहीं लगेगी, ये कि इसको गुड़ती दे दो तो ये जैसा हो जाएगा, आप खुदा के कलाम को उनके कान के अंदर डाल दें वो खुदा प्रस्त हो जाएगा और आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आपको बरकत मिलेगी। ये खुदा का कलाम बयान करता है, कलाम में लिखा है औरत के सबब से गुनाह आया, औरत की वसीला से क्या मिलेगी निजात, बशर्ते के औलाद होने से। औलाद तो मुकस्सा मरियम की खुदा का बेटा पैदा हो गया। अब खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील, आए जरा थोड़ा सा वाला देख लेते हैं जी, वो जो लोग खुदा में से पैदा होते हैं फिर वो उनका क्या करेक्टर होगा, वो किस तरह के होंगे। यूहन्ना की इंजील में से देखें जी, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, यूहन्ना की अंजील है जी, खत नहीं है, यूहन्ना की अंजील लूका के साथ है, यूहन्ना की अंजील जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी आयत नंबर देखें जी 17-10 है जी। वो दुनिया में था, वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, वो अपने घर आया उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फतन बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। क्या आज लोग खुदा को पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं? पहचान है लोगों को खुदा की? बेटा पैदा होता है सबसे पहले क्या होता है? मुझे नहीं यकीन, जहां तक मेरा तजर्बा कहता है ना, मैंने नहीं देखा किसी ने पहले पास्टर को बुलाकर दुआ कराई है। दसो मैनू हाथ चुक कि किसी ने अपने खानदान च वेख्या हो जरवा है देखा की कर दे सब तो पहले गुड़तियां देतियां ते बहुता चा चढ़िया ते डक बजा रहे गाने लाते चंगे उच्चे। चलो नहीं कॉमन बात, मैं आप इनमें आम रूटीन के मुताबिक करती हूँ। जब हमें अजीब खुशी मिलती है या बच्चा 5 साल के बाद मिला या बेटा मिला बड़े दिनों के बाद, तो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ फिर कुछ भी आए उन्होंने तो वैसे होने दी आते हैं ना, उन्होंने आई जाना बेचारे जितों पता लगे उन्हें आई जाना, तो इस तरह से खुशी मनाते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी की कोई बात नहीं। खुदा के दूर कौन मर्द है जो सर्दी में गिरा होगा? वही जो खुदा से डरता होगा, वो या औरत गिरी होगी वो कहती है खुदा तूने मेरी सुन ली, हन्ना की तरह कहती होगी मेरा दिल तुझ में मगन है, तो फिर तरीकाकार तो आप बगाड़ा। कलाम में लिखा है वो दुनिया में था, उन्होंने ना पहचाना, कलाम बयान कर रहा है ना, नहीं पहचानते ना लोग खुदा को, तो जान दे तू हालांकि पैदा करने वाला तकलीफ करने वाला वो, हम कैसे जाने कि वो बच्चा किस तरह से तैयार हुआ, किस तरह से दुनिया में आया, किस तरह से उसको सांसें बख्शी है। खुदा का कलाम बयान करता है वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन शर्त, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का क्या बन दिया, हक दे दिया, हक बख्शा। अब वो कैसे पैदा होते हैं? उन्हें जो उसके नाम पर ईमान, ना तो वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हो गए जी? खुदा से। अब किसी इंसान की मेहनत की जरूरत नहीं है, यहाँ कौन से रूहानी तौर पर खुदा से पैदा हो गए और वो खुदा के लोग हों, वो आप जैसे लोग वफादार कलीसिया हों जिस तरह आप यीशु को कबूल कर चुके, खुदा करे आप कायम रहे इस पर। आपके दिल के अंदर मैंने तो आपको बता दिया मंगल मीटिंग है, मैं तो आपको कहती हूँ खुदा के खादम कहते हैं हम आपको, आपको हर रोज पता है जब आपके दिल के अंदर खुदा का डर, खुदा की मोहब्बत, खुदा का खौफ, खुदा में से पैदा हुए तो आप किसके पास आएंगे जी? खुदा के पास। अगर आप दुनिया के हैं तो दुनिया तो खुदा को नहीं पहचानती। इसीलिए मेरे बहनों, खुदा की बेटियों, खुदा के लोगों, खुदा के कलाम पर अमल करो, ऐसी औरतें बनो, ऐसा रोल अदा करो जिस तरह दबूरा ने, जिस तरह लुदिया ने किया, जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने किया, जिस तरह मरियम मगदलीनी ने किया,
और बहुत सारी औरतों ने किया, और शरीफ औरतें बथेरी खुदा उन पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाई, और उनकी औलाद ने क्या पाई है, नजात, और उनमें से फिर बेटे बेटियां नबी रसूल पैदा हुए हैं और ईमानदार आज खादम पैदा हुए हैं। आज जब भी मैं कभी किसी खादम की गवाही सुनती हूँ तो खुदा उनको बरकत दे। मैंने उनके बाप का नाम कोट करते कम सुना, यही कहते थे मेरी माँ खुदा प्रस्त हुआ करती थी, मेरी माँ खुदा के साथ ऐसे चल, मेरी माँ बचपन में दुआ करती थी मेरे सामने, मेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं और मैं आज इस जगह पर हूँ। तो ये कहते हैं ना एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो ये है, ये बात ये नहीं है कि एक मर्द गलत काम कर औरत करे तो मर्द को लाकर बहुत सारा पैसा दे तो वो कहे मैं कामयाब। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी ये है कि एक मर्द जो है नेक रास्तबाज माँ का बच्चा, और लोग कहें फलां माँ का बच्चा, ये बेटी और बेटा जा रहा है, ये इसकी माँ बड़ी शरीफ थी, शरीफ औरत, खुदा प्रस्त औरत, खुदा की बंदी थी। और इस तरह की बातें जब सुनने को मिलेंगी आपकी इज्जत दुनिया में तो बढ़ेगी, आपको आसमान की बादशाही में भी क्या मिलेगा अजर। तो फिर एक और मिसाल है जो जिस्मानी माँ आते हैं तो लोग कहने ना पाइए नहीं माँ हो जाइए बच के रहो जी, हाँ हाथ भी ना लाओ। तो दूजी गल है वे कि जैसी माँ वैसी बेटी, बुद्ध पर अकल, अकल पर होती, ज्यो पर घोड़ा बहुता नहीं थे थोड़ा थोड़ा, बाप पर हमेशा बेटा होता है, याद रखना माँ पर बेटी होती है। ये चीज़ें नोट करें, हम देखते हैं अपने तजर्बे के अंदर, लेकिन अगर हम खुदा परस्ती में होंगे तो हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, हमारे बच्चे खुदा में से होंगे क्योंकि वो इंसानी जिस्म अरादे से तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब किस में से पैदा हुए, खुदा में से पैदा। इसलिए खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। खुदा का शुक्र सो, आपको भी खुदा बरकत दे। मैंने शाज़ का बहुत शुक्रिया आपका, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आए अपनी आंखें बंद करें, खुदा उनके जुर चुके और खुदा उनकी खूब शुक्रगुजारी करें, खुदा का शुक्र अदा करें। आप खुदा की बेटियां हैं, खुदा ने हम सबको चुना, हम सत्य के कायम के साथ, आओ हम एक दूसरे बहनों को बेदाज करें, आओ हम अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने शोरों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए इस्लाम में विश्वास चाहें, मिन्नत करें। अगर वो नहीं बचे वो दुनिया को और दुनिया में खुदा को नहीं पहचान सके तो खुदा उनकी मदद करें। हालेलुया, कदूस मेहरबान खुदा, खुदा पाक तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, दस्ते और कांपते हुए नहायत आजिसी के साथ हलीम सोतन कायम कर है लश्करों के खुदा, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत रखकर से तुझसे मोहब्बत रखते हैं। कुरान बशर है क्या उसका ख्याल रखें तो भी हम पाक का ख्याल रखा, अपना खूबसूरत कलाम दिया है कुरान ने, हमें अपना नाम बख्शा है, वो नाम तो सब नामों से आला है। खुदा तूने औरत को बड़ा दर्जा दिया है, खुदा तूने उसे अपनी बेटी होने का हक बख्शा है, खुदा अपना फसाद होने का, अपने बच्चों को भी बरकत दिया है, खुदा तू औरत को मर्द को यकसां दर्जा देता है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है ना वहाँ पर मर्द होगा ना औरत, बल्कि सब लोग वहाँ फरिश्तों की माने होंगे। ऐसे खुदा खुदा हमें इस लायक बना के अपने दिल शांत करे, खुदा का हासिल कलाम के वसीला से आज सब बहन भाई बरकत पाए, से बच्चों की परवरिश तेरे यीशु नाम में की। खुदा मैं इस जमात में दुआ करके अपनी बहनों के लिए, बच्चों के लिए, इनको वफादारी की रूह अता फरमा, इनको परहेजगारी की रूह अता फरमा, खुदा के तेरे खौफ में रहकर अपने बच्चों को हर रोज तेरा कलाम की बातें सिखाएं, हर रोज दुआ करें उनके सामने, उनको खुद भी दुआ करें, पूरी फैमिली, इनके शोहर, इनके माँ बाप, इनके बहन भाई बच्चे दुआ करें, खुदा उनके साथ, खुदा इन बच्चों को ब्लेस कर, जो बेटियां अपने घरों को जाने वाली, इनके जहनों में भी अपना कलाम तैयार कर, ताकि आने वाले दिनों में अपने बच्चों की परवरिश तरीके से काम कर सके। खुदा मैं तेरे बेटे बेटी के लिए बरकत चाहती हूँ, खुदा उनको ब्लेस करती हूँ, शर्मा होते इनकी बीमारियों के लिए दुआ करती हूँ, यीशु के नाम से इनके बदनों के अंदर जो भी बीमारी है, किसी किस्म की तकलीफ है, यीशु मसीह नासरे के नाम से खुदा तो अपनी बेटियों को बड़ी बरकत दे, अपनी घरानों को और खुदा के खानदान को छू, तेरी बेटियां यहाँ से खूब सारे मैसेज लेकर जाए और अपने बहन भाई घरानों तक पहुंचाए और बरकत पाए, बेटों को बरकत दे, खिदमत के लिए अपने के लिए चला के इस्तेमाल कर, नन्हे बच्चों को बरकत दे, इनकी तमाम बीमारियों को देर पर मारे यीशु के नाम से जाते हैं। खुदा बेटी मुस्कान को छू, उसकी एलर्जी की तकलीफ यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, अपनी बेटी को बहन शाजिया को खुदा छू, अरे खुदा मेरी बहनों की जो अंदरूनी बिरूनी बीमारियां कमजोरियों को छू, हमारे बच्चों की जो बीमारियां को छू, तेरे बेटे एलिया के लिए दुआ करती हूँ, खुदा तेरे बेटे को जो चोटें लगी हैं यीशु के नाम से तेरा बेटा शिफा पाए, खुदा उसकी तमाम हड्डियों को सलामत रखना और खुदा उसकी हड्डियों का तमाम जख्म को मुकम्मल तौर पर रिलीज हो जाए, जब रिपोर्ट्स आए रिपोर्ट्स क्लियर क्लियर नहीं हो सकते, यीशु के नाम से क्लियर होते नाम की दुआई, खुदा मैं बेटे के मुकम्मल शिफा की अपील करती हूँ और तमाम बहन भाइयों की रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सब पर रहकर अपने आत्मा पर भी रहकर मेरी कमजोरी में मेरी बीमारी में मेरा शाफी दे, खुदा हम सब पर रहम कर, हमारे बच्चों को वफादारी की ईमानदारी की रोता फरमाइए, चर्च की से हम जितनी बहन भाई आए हैं बच्चे इनको बरकत दे, इनके खानदानों को दे बरकत दे, खुदा जो नहीं आए उनको भी बरकत दे और उनकी तौफीक दे, सब मिलकर खुदा की बात करने पर काम आए, सब मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा ने सिखाया ए हमारे बाबा तू जो आसमान है,
तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात शब्द है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हो जमीन पर भी हो, मैं रोज रोटी की आज पूछती और जिस हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें समाइश में चलने पर पर गबराई से चाह फिर बाद शब्द कुदरत चला यीशु के नाम से आमीन।